ابو خليل. علي मैं तो तुम्हारी तरफ से नाउम्मीद हो चुका था। मुझे तो लग रहा था कि अली के चाहने वालों ने तुम्हारी खाल नोच ली होगी। मैं तो सूरह रहमान पढ़कर तुम्हारी मौत का हलवा बांटने वाला था। मामला खराब करने वाले थे वो लोग। इतनी अकील ने मुझे फंसा दिया था। क्या ये शरई रकम है, किसकी है, पूरे 3,000 दिनार क्यों है, हा? कम क्यों नहीं है, ज्यादा क्यों नहीं है? इस कदर चूचना से उसका क्या मकसद था? कहता है कि मेरी बात की सच्चाई में उसे शुबा था। जितना हो सका बात घुमाई मैंने। कितने दिनों से मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था। दिनों में रोजे रखता था और रातों को नमाजें शब भुगतनी पड़ती थी। इतनी नमाजें पढ़ी जितनी तुम्हारे और मेरे बाप से कजा हो गई थी। तुमने देखा ना, मुस्लिम कूफा ही में था। मुझे यकीन था कि मुस्लिम का कूफे से चले जाना सिर्फ एक चाल है ताकि हम मुस्लिम को कूफा में ना ढूंढें। कुछ बेवकूफ लोग तो मुस्लिम हानी के घर में है। मुझे एक नई बात समझ में आ रही है माकल। हानी की बीमारी झूठ है। हानी ने खुद को बीमार जाहिर किया है और मुस्लिम को अपने घर में पना दी है ताकि बुजुर्गान कौम बहानाए अयादत हानी मुस्लिम का दीदार करे और हमारे खिलाफ नित नई साजिश करता रहे और कोई शक ना करे। तुम पर फिदा हो जाऊं हानी, तुम्हारे हक में इज्जत और एहतराम की इंतहा करती। उसके एवज तुमने क्या किया? खयानत? बहुत खूब। हमने हानी की अयादत करके मिजज कबीले का मुंह ऐसे बंद कर दिया है कि वो हमें जरूर इस बात का हक देंगे कि हानी की गर्दन तोड़ दें। मैं हूं जनाबे हानी, हमसी मुजाहिद। 3,000 दिनारे शामी, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे घर में जनाबे मुस्लिम के हुजूर मैंने 3,000 शामी दिनार उनके हवाले किए थे? तुम्हारे पिछले झूठ को मैं नजरअंदाज कर दूंगा इस शर्त पर कि अब सच बोलो।
मुस्लिम को कहां छुपाया है तुमने? अपने इन बेगैरत सिपाहियों से पूछो। औरतों की अबा और चादर पर भी उन्होंने रहम ना किया मगर उन्हें कोई मुस्लिम ना मिले। अगर मुस्लिम मेरे घर में होते तो तुम्हारे मक्कार हीला घरों के पंजे में आ जाते। हानी, मेरा बाप ज़ियाद तुम्हारा करीबी दोस्त था। ऐसा काम ना करो कि मैं अपने बाप की दोस्ती की लाज ना रखते हुए मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करूं। मुस्लिम कहां है? मुस्लिम कुछ अरसा मेरे मेहमान थे इससे पहले कि तुम अपने रस्सी तोड़ाए हुए कुत्तों को मेरे पीछे भेजो। मुस्लिम मेरे घर से चले गए। कहां गया? तुम उसके करीबी साथियों में से एक हो, यकीनन जानते हो कि मुस्लिम कहां गया। क्या नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। झूठे!